की एक और नई वीडियो में, और इस वीडियो में मैं बात करने आ रहा हूँ Realme के U1 के बारे में। तो Realme काफी अच्छा ब्रांड रही है, यानी कि Realme ने 3-4 महीने में काफी फोन्स को कंपटीशन दिया और काफी मतलब हाई प्लेस पर, टॉप प्लेस पर आ चुकी Realme। तो जैसे कि आपको पता है Realme का 1 लॉन्च हुआ था, 2 लॉन्च हुआ था, यानी कि 1 में आपको 9000 के नीचे की प्राइस में आपको हीलियो का P60 देखने के लिए मिला था, जो कि काफी मार्केट में धमाका मचा दिया था Realme ने। तो Realme 2 में आपको 9000 के नीचे आपको प्राइस में आपको टॉप क्लास नोट्स देखने के लिए मिली थी। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिला था, काफी इसका बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी थी, डुअल कैमरास, मीन्स काफी कंप्लीट पैकेज दिया था Realme 2 में। और Realme 2 Pro यानी कि और Realme C1 जो था फोन, तो Realme C1 ने भी काफी धमाका मचाया था। तो Realme C1 में आपको 7000 की प्राइस में आपको डुअल कैमरास मिले थे, 4230mAh की बैटरी मिली थी, काफी अच्छा प्रीमियम डिजाइन मिला था। तो बजट फोन 7000 में काफी बेहतरीन बात थी Realme की तरफ से। और उसके बाद लॉन्च हुआ हमारा Realme 2 Pro, जिसने मार्केट में काफी धमाका अभी भी मचाया हुआ है, जिसमें आपको 13990 में आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर देखने के लिए मिला था। और इसमें आपको काफी अच्छी सेल्फी मिल जाती है, AI के काफी फीचर्स मिल जाते हैं, प्रीमियम डिजाइन मिल जाता है आपको इसमें। तो ये फोन भी काफी मतलब बढ़िया है इस प्राइस में, तो Realme काफी मतलब बढ़िया काम कर रही है। तो अब Realme ने कंफर्म कर दिया कि 28 नवंबर को Realme का एक और नया फोन आ रहा है, जो कि आपको 28 नवंबर को देखने के लिए मिलेगा। और नाम इसका कंफर्म हो चुका है Realme का U1, यानी कि नई सीरीज Realme लॉन्च करने जा रही है। तो इसमें आपको इसका जो मेन टाइटल है, इसमें टैग जो है इसका है इंडिया सेल्फी प्रो। तो इसमें आपको मतलब सेल्फी में तो आपको कोई कमी नहीं देखने के लिए मिलेगी, इसमें आपको 25 मेगापिक्सल तक की सेल्फी मिल सकती है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा MediaTek का हीलियो P70 प्रोसेसर, यानी कि वर्ल्ड में ये पहला फोन होगा जिसमें आपको MediaTek का हीलियो P70 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। P60 आपको पता है कितना की पावरफुल प्रोसेसर था MediaTek का, तो P70 में काफी AI फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं, तो ये प्रोसेसर किसी से भी कम नहीं होने वाला। और जैसे कि हमें पता है कि Realme की प्राइसिंग काफी मतलब बढ़िया रहती है, तो देखते हैं U1 की प्राइसिंग कैसी आती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो Realme का U1 है काफी सही प्राइस पे, आपको काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो बढ़िया सा डिजाइन मिलेगा, बढ़िया सी नॉच देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब बात करें हम Realme के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो हम बात करेंगे Realme के U1 के बारे में। तो Realme U1 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, तो इसमें आपको Realme U1 में आपको डिजाइन जो है वो आपको नॉच वाला देखने के लिए मिल जाएगा, वाटर ड्रॉप नॉच यानी कि ड्यू ड्रॉप नॉच जो Realme इसको कहती है। तो डिजाइन हमें काफी प्रीमियम देखने के लिए मिलेगा, पीछे से हमें ग्लास बिल्ड मीन्स चाहे पॉलीकार्बोनेट बॉडी हो लेकिन ग्लास के साथ उसको फिनिशिंग ग्लास की होगी। तो इसमें आपको कैमरास काफी इंप्रूव मिलेंगे, यानी कि 16+2 हमें Realme 2 Pro में मिलता था, इसमें आपको 16+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिल सकता है, डुअल कैमरा काफी मतलब बेहतरीन होगा। और फ्रंट में आपको जो कि इसको हम कहते हैं इंडिया सेल्फी प्रो, तो इसमें आपको फ्रंट में आपको 25 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल सकती है विद AI फीचर्स इसमें काफी भर भर के होंगे, क्योंकि MediaTek का हीलियो P70 मीन्स सारा AI पे बेस्ड है फोन। तो इसमें आपको MediaTek का हीलियो P70 के साथ साथ प्रोसेसर तो कंफर्म्ड है ही है, इसमें आपको जो बैटरी है वो आपको देखने को मिल सकती है 4230mAh की मिल सकती है, या आपको 3500mAh की मिल जाएगी, जो आपका एक दिन तो बड़े आराम से निकालेगी, दूसरा दिन भी मतलब काफी इसको बैटरी आपको काफी ऑप्टिमाइज मिलेगी। तो Realme का आपको सॉफ्टवेयर अभी तो आपको फिलहाल ColorOS 5.2 देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में यानी कि आपको 2019 से पहले जो कि माधव ने उनके CEO ने कंफर्म किया है कि इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा 2019 से पहले नया UI देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ColorOS को हटा के हर सारे Realme के फोन्स में नया UI आ जाएगा। तो इसमें आपको ये थे स्पेसिफिकेशंस इस फोन के बारे में, इसमें आपको Android P और Q का सपोर्ट तो पक्का ही मिलेगा। तो ये थी Realme U1 के बारे में। तो इसका जो प्राइस है वो मेरे अकॉर्डिंग 15,000 के आसपास होगा इसका प्राइस। तो अगर 15,000 के आसपास आपको MediaTek का Helio P70 मिल जाएगा, 25 मेगापिक्सल की सेल्फी, AI मोड्स मिल जाएंगे, इम्प्रूव्ड कैमरा मिलेगा, तो हमें ये काफी एक कंप्लीट पैकेज देखने के लिए मिलेगा। तो Realme U1 काफी एक एक्साइटिंग फोन हो सकता है, 28 नवंबर को लॉन्च हो रहा है। तो अगर आप कोई फोन लेना चाहते हैं तो थोड़े दिन रुक जाइए और ये फोन के बारे में थोड़ा सोचना, ये काफी बढ़िया होगा। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो वीडियो पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो नई अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।